नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। उन्नाव के एकमात्र कोविड हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 13 लोगों की मौतों के बाद बुधवार सुबह परिजनों ने अस्पताल गेट पर हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही और शिकायतों का अनसुना करने का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर पहुंचे SDM ने किसी तरह मामले को संभाला। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर ढा रही है। एकमात्र सरस्वती मेडिकल कॉलेज में कोरोना के संक्रमित 470 लोगों को भर्ती कराया जा चुका है। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ अव्यवस्थाएं भी बढ़ रही हैं, इससे यहां लोग दम तोड़ रहे हैं। पिछले 5 दिन में कोविड हॉस्पिटल में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार सुबह कोविड हॉस्पिटल के बाहर अपनों को खोने के गम में बौखलाए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वे अस्पताल प्रशासन से 100 देने की मांग करते रहे। सूचना पर पुलिस बल और SDM हसनगंज को मौके पर भेजा गया। CMO डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि मरीजों के इलाज में लापरवाही नहीं की जा रही, शिकायतों का समय से निस्तारण भी किया जा रहा है।